हेलो दोस्तों, डिटेक्टिव करिश चैनल में आपका स्वागत है। आज का केस, लालची कार्यकर्ता। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्वीटी को एक कार्यालय के काम के लिए तत्काल छोड़ना पड़ा और जल्दी में उसने अपने पैसे चटाई के नीचे रखा। जब वह वापस लौटी और चटाई उठाई तो उसने पाया कि उसका पैसा चोरी हो गया था। उसने तुरंत डिटेक्टिव क्रिश को बुलाया। उन्होंने उस समय मौजूद घर के श्रमिकों से पूछताछ की। पहले चित्रकार ने बोला, मुझे डकैती के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि मैं बाहर की दीवारों को चित्रित कर रहा था। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ने बोला, मैं हॉल में टीवी की मरम्मत कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी में नौकरानी ने बोली, मुझे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि मैं पूरे घर के फर्श को साफ करने में व्यस्त था। तो सबका बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है दोस्तों, किसने चोरी किया होगा? जो कोई उत्तर जानता है वह नीचे कमेंट करें। तो सही उत्तर है, घर की नौकरानी। वो चोर होना चाहिए। तीनों में से केवल नौकरानी ने सफाई करते समय चटाई के नीचे देखा होगा, तो नौकरानी ने पैसा चोरी किया था। यह पहेली इतना ही था। तो चलो दोस्तों, और एक पहेली शुरू करते हैं। केस, लापता पिशाच बच्चा। शिकायत दर्ज करने के लिए एक पिशाच दंपति पुलिस स्टेशन पहुंचे। कल रात से उनका बच्चा गायब है। डिटेक्टिव कृष्ण ने उस गली की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की और तीन संदिग्धों की पहचान की। डेविड, एंटनी, सोफिया। इन तीनों लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिशाच बच्चे को अपहरण किसने किया? इन तीनों को अच्छे से देखो और उत्तर मिल जाए तो नीचे कमेंट करो। इन तीनों में से सही उत्तर है सोफिया। सोफिया अपहरण करता है। पिशाचों को गुब्बारे और कैंडी में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि सब पिशाच चाहते हैं खून। तो सोफिया ही खून देकर पिशाच बच्चे को अपहरण किया है। आज के लिए इतना ही था मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में।